आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे बाजार के गिरावट की, बाजार यानी शेयर मार्केट। और शो के आपके आने तक बाजार लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। और इसी गिरावट के आलोक में बात करेंगे, इसी संदर्भ के साथ बात करेंगे अडानी समूह के और जोमैटो के शेयरों की। इनकी हालत पर चर्चा करेंगे, मार्केट को समझेंगे और देखेंगे किधर जा रही हैं चीज़ें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और आप देख रहे हैं आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। और बात शुरू करते हैं बड़ी खबर से, सुर्खियां वगैरह आखिर में। Brought to you by finepaisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज यानी 6 मई को जब मार्केट खुला तो संकेत कुछ अच्छे नहीं थे। खुलते वक्त BSE का सूचकांक 980 अंक गिरा हुआ था और दिन के कारोबार के दौरान 1115 अंक तक टूटा था। बंद हुआ तो 866 के आसपास। निफ्टी का हाल भी लगभग यही था। 300 अंक के टूटन के साथ शुरू हुआ था तो 266 के आसपास जाकर रुका। लेकिन इस गिरावट के साथ चर्चा है दो खास शेयरों की। निवेशक और मार्केट वाले सोचते पूछते रहते हैं, आइडिया पहले ही दे दिया था हमने, अडानी समूह का, अडानी विल्मर और जोमैटो। पहले बात अडानी विल्मर की। अडानी विल्मर भारत के अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। ये कंपनी भारत में खाने का तेल, आटा, चावल, दाल और चीनी वगैरह बेचने के धंधे में है। फॉर्च्यून ब्रांड का तेल यही कंपनी बेचती है। देश में ब्रांडेड खाने का तेल यही कंपनी बनाती बेचती है, मार्केटिंग करती है। अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने महज 4 सत्रों में निवेशकों को चोट पहुंचाई। अडानी विल्मर के शेयर पिछले 4 सत्रों में अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से टूटे, 22% तक टूटे। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि इस कंपनी के शेयर 1000 रुपये तक चढ़ सकते हैं, उतना ऊंचा जा सकते हैं। अब बीते हफ्ते 28 अप्रैल की बात करते हैं, कंपनी का शेयर 878.35 रुपये की ऊंचाई पर था। ठीक ठाक कंफर्टेबल ऊंचाई मानी जाती है। आज दोपहर 1 बजे 6 मई को यह शेयर 680.20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। हफ्ते भर में लगभग 200 रुपये की गिरावट थी। अब मार्केट एक्सपर्ट सोचते हैं कि कंपनी की चौथी तिमाही का रिजल्ट आने वाला है। नफा नुकसान कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ, ये सब रिजल्ट में पता चलेगा। ऐसे में जितना मुनाफा बना है, बचा है, निवेशक उसे भुना कर बेच बाच कर खाली होना चाह रहे हैं। इस मामले में टिप्स टू ट्रेड के को फाउंडर AR रामचंद्रन ने बिजनेस टूडे से बातचीत में कहा है कि 3 महीने की शानदार तेज़ी के बाद शेयर में काफ़ी गिरावट की उम्मीद थी। इसके अलावा मार्च में वैश्विक ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने भी कहा कि शेयर अपनी सही कीमत पे है। ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने मार्च 2023 की अवधि के लिए 367 रुपये शेयर का लक्ष्य दिया है। अब एक्सपर्ट की बात से सुनिए, एक्सपर्ट से समझिए कि ये चीज़ें किधर जा रही हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अडानी विल्मर के स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लगभग स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% नीचे है। और इसके कुछ जो मेन कारण है वो मैं आपके साथ यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है अडानी विल्मर स्टॉक का सर्विलेंस लिस्ट में आना, जिसका मतलब ये है कि अभी NSE की सर्विलेंस लिस्ट में है। और जब ये स्टॉक, जब कभी भी कोई स्टॉक सर्विलेंस लिस्ट में आता है तो जो उसका सर्किट फिल्टर है वो घटा दिया जाता है। यानी एक दिन में स्टॉक 5% से ज्यादा गिरिया बढ़ नहीं सकता। और यूजुअली जब ऐसा होता है तो स्टॉक की जो पार्टिसिपेशन होती है वो कम होते हुए नजर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है वो है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जो रशिया और यूक्रेन के चलते, कमोडिटी प्राइसेस के वॉर के चलते कमोडिटी प्राइसेस में जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को उस कमोडिटी प्राइसेस के में जो जो इसका रॉ मटेरियल है उसके उतार चढ़ाव के चलते शायद इसके जो आने वाले मुनाफे में गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो मेरा मानना है ये कुछ कारण है जिसके चलते अडानी विल्मर के स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ी सी गिरावट शायद कुछ और एक्सटेंड होते हुए नजर आए। स्टॉक 550 रुपये तक के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये हो गई अडानी समूह की बात। बात करते हैं जोमैटो के शेयर्स की। अब क्या ये शेयर भी पेटीएम के रास्ते पर चल चुका है? जोमैटो का शेयर पिछले साल जुलाई में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था।
ऑफर प्राइस यानी जितने पे लिस्ट हुआ 76 रुपए। कंपनी ने पिछले साल आईपीओ के जरिए 9,375 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस दौरान निवेशक इसके आईपीओ में पैसा लगाने के लिए टूट पड़े थे। जितना आईपीओ का साइज था उससे कई गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने पिछले 6 महीनों में निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। जोमैटो का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 65% टूट चुका है। इस गिरावट से इसके निवेशकों के 87,800 करोड़ रुपए साफ हुए हैं। शुक्रवार यानी 6 मई को कंपनी का शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पे था, 57 रुपए 65 पैसे। ऑफर प्राइस से कंपेयर करें तो ये शेयर अब 25% तक टूट चुका है। जोमैटो का बाजार मार्केट कैप घटकर 45,381 करोड़ रुपए पर आ गया, जो लिस्टिंग के बाद से सबसे कम है। नवंबर 2021 में जोमैटो के शेयर ने झंडे गाड़ते हुए 169 रुपए 10 पैसे के ऑल टाइम हाई को छुआ था। जोमैटो के शेयर की हालत खस्ता क्यों हो रही है? और जैसा लोग कह रहे हैं कि ऑल टाइम लो होना यानी हर निवेशक नुकसान में ही है, तो ऐसा हुआ क्यों और करें क्या, ये सब समझने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। देखिए 2021 में भारतीय बाजारों में जबरदस्त आईपीओ की लहर देखने को मिली। एक फोमो जो जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा एक सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया। एक के बाद एक नए आईपीओ आए जो कि सो कॉल्ड टेक ड्रिवन कंपनीज अपने आप को बताते हुए नजर आई, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे भी आपने जोमैटो या फॉर दैट मैटर पेटीएम के बारे में डिस्कस किया, और हमने देखा कि वही बार बार वही कहानी की प्राइसिंग लिस्टिंग होने के बाद ग्रेजुअली स्टॉक्स धीरे 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 गिरते हैं, और उसके बाद वो लेवल्स कई सालों तक कई दशक तक लेवल्स वो देखने को नहीं मिलते। देखिए जोमैटो एक परफेक्ट एग्जांपल है। एक कंपनी जो अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी कहती है वो सिर्फ एक ऐप ड्रिवन कंपनी है। हमारा ऐसा मानना है कि उस बिजनेस में कोई यूएसपी नहीं है ऐसी कि जिसकी वजह से एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ आपकी मोनोपोली हो। आप सिर्फ एक यूजर्स के बेस पर इस अपनी कंपनी को इतने हाईली प्राइस नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे माहौल में जब बाजारों में ऑलरेडी करेक्शन के बाद बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी इस वैल्यूएशन से काफी सस्ते अवेलेबल बाजार में विकल्प मौजूद है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सीख है नए निवेशकों को कि इस तरह की लहर नई बुलरन में जब भी कभी कोई बुलरन मैच्योर होती है तो इस तरह के आईपीओ मार्केट को हिट करते हैं, और इवेंचुअली इन सबका हश्र यही होता है कि ये ग्रेजुअली धीरे 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 जिनको हम बोलते हैं रिवर्स कंपाउंडर्स, पहले इनिशियल प्राइस के आधे, उसके बाद उसका भी आधा, उसके बाद उसका भी आधा। तो मेरी क्लियर कट निवेशकों को जो मेरा इसमें मानना है बेसिकली वो ये है कि हम यहाँ पर इस तरह के शेयरों में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेसेस हैं ये शायद शेयर अगर थोड़ा रिवाइव कर भी पाते हैं बिजनेसेस में अगर सस्टेन करते भी हैं उसके बावजूद भी ये इतने हाईली प्राइस हैं कि शायद शेयर होल्डर्स को आने वाले कई साल तक कुछ खास रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता हुआ नजर ना आ सके। अब आखिर शेयर मार्केट में इतनी भंगुरता क्यों है, इतना वोलेटिलिटी क्यों दिख रही है, क्यों शेयर मार्केट लगभग हर 15-20 दिनों में निवेशकों के लिए बुरे सपने में क्यों तब्दील हो जाता है, एक्सपर्ट से ही समझते हैं इसको। निवेशकों को एक चीज ध्यान रखना रहेगा कि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी इतनी क्यों ज्यादा है। एक कारण, सबसे मेजर कारण है जो अनसर्टेनिटी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में जो उभार आ रहा है मार्केट में, उस कारणवश आपको दोनों साइड मार्केट देखने मिल रहा है। और दूसरी तरफ से जो इन्फ्लेशन हाइट हो चुका है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो सेफ हेवन बाइंग होती है मार्केट में वो रेट की तरफ चले जाती है कि मैं आज की तारीख में मुझे एफडी में अगर मुझे 4-5% मिल रहा है तो मार्केट में अगर मुझे डिविडेंड 3% मिलता है तो मैं यहाँ से पैसे निकाल के मैं वापस से फिक्स डिपॉजिट में रख दूंगा। तो ये कारणवश आपको एक टर्न अराउंड, एक बेली टर्न देखने मिल रहा है। 7 साल से अगर आप देखें, 7 साल का डेटा देखें तो रेट हमेशा नेगेटिव की तरफ जा रहा था। अभी जो बेली कर्व देखने मिल रहा है यहाँ से रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और फेड ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये 2023 या 2024 तक 2% तक रेट बढ़ा देंगे। तो अगर ये 2% होता है तो यूएस 10-year ट्रेजरी यील्ड 3% के ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको शिफ्टिंग देखने मिलेगा प्राइस में, और वो शिफ्टिंग होगा या तो मार्केट में इक्विटी से पैसा निकलेगा या कमोडिटी मार्केट से निकलेगा। जो आज के तारीख में जो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है वो है कमोडिटी मार्केट, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी है मार्केट में, सेफ हेवन बाइंग भी है, तो वहां पे आपको ज्यादा मुनाफा वसूली हायर लेवल पे देखने मिलेंगे। दूसरा हायर प्राइस था वो है इक्विटी मार्केट। आपको इसलिए इक्विटी मार्केट जब 3% बढ़ता है उसके सामने 5% गिरावट भी देखने मिल रही है। तो
लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन एक चार्ट पे आपको देखने मिल सकता है इक्विटी मार्केट में, ये भी आपको देखने मिल रहा है। जो तीसरी आपको जो सेल ऑफ देखने मिलेगी वो है धातु में, क्योंकि अगर आप देखें सारे के सारे धातु ऑलमोस्ट 10 साल के ऊंचाई पे या लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, मेन रीजन है। तो उस कारण से आपको धातु में भी सारे धातु ले, कॉपर रहे, जिंक रहे, एल्यूमिनियम रहे, सब में आपको मुनाफा वोलेटिलिटी हायर लेवल पे देखने मिल रही है और प्राइस ऑलमोस्ट 10-15% ऑलरेडी ऊपरी स्तर से गिर चुके हैं। तो ये बेली कर्व कब तक चलेगा? मेरे हिसाब से आपको अगले 3 महीने में और गिरावट मार्केट में देखने मिल सकती है। इंडियन मार्केट की बात करें तो स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि रुपए ज्यादा गिरावट देखने मिलेगी। अगर आप रुपए की बात करें तो रुपया अभी इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ जितने बाकी सारे करेंसीज डेप्रिशिएट हुए। आप यूरो ले लीजिए, आप स्टर्लिंग ले लीजिए, आप टर्किश लीरा ले लीजिए, आप चाइनीज युआन देख लीजिए, इसमें सारी गिरावट देखने मिल रही है। सबसे मेजर करेंसी आपको गिरावट देखने मिल रही है और जापानीज येन में भी। तो इंडिया एज अ स्टेबल इकोनॉमी कंट्री काफी स्टेबल है, तो उस कारण इतनी करेंसी में डिवैल्यूएशन नहीं आई है। बट आगे चल के मुझे लगता है कि ये 80 के स्तर भी छू सकता है जिस रफ्तार से तेल बढ़ रहा है। तो इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसका जो मेजर योगदान है उसमें है कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोने में तो आपको गिरावट देखने मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्व कर सकते हैं, बट कच्चा तेल एक उसकी जरूरत है। और अगर कच्चा तेल बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जरूर बढ़ेगा। और आप आगे चल के देखिए रुपया 78-80 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा सकता है। तो ये सारे मिक्स फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको इक्विटी मार्केट में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में आपको देखने मिल सकती है। ये तो थी हमारी बड़ी खबरें, और आपके लिए एक सलाह भी है छोटी सी कि पैसा आपका है तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। अपनी मर्जी से, अपने विवेक से खतरों और खिताबों को पहचानिए और फिर निवेश का निर्णय लीजिए। और अब चलते चलते जानेंगे आज की जरूरी सुर्खियां। पहली सुर्खी आपकी रोजाना की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। अब शायद ही कोई घर होगा जिस घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामान न इस्तेमाल किए जाते हों। ये कंपनी साबुन, तेल और शैम्पू जैसे पाउडर वाउडर सब ये सब बनाती है। अब मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कंपनी ने अपने उत्पादों के दाम 15% तक बढ़ा दिए हैं। HUL ने सनसिल्क शैम्पू और क्लिनिक प्लस की कीमतें 15% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी का लक्स और पियर्स साबुन जो आता है ना वो भी महंगा हो रहा है। टेलकम पाउडर पॉन्ड्स आता है, बड़ा बाजार में बिकता उकता है, वो भी 5-7%, और ग्लो एंड लवली क्रीम के दाम जो उनके हैं वो भी 6-8% तक बढ़े हैं। 2 मई को कंपनी के CEO और MD संजीव मेहता ने इंटरव्यू दिया था मनी कंट्रोल को ही। उन्होंने उसमें कहा था कि बीते 30 सालों में उन्होंने इस तरह की महंगाई वाली स्थिति, इन्फ्लेटेड सिचुएशन नहीं देखी। दूसरी खबर देश में बिजली संकट से जुड़ी है। मिंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार ने शुक्रवार 6 मई को कहा कि भारत ने आयातित कोयले पर चल रहे कुछ निष्क्रिय बिजली संयंत्रों को उत्पादन को शुरू करने के लिए एक आपातकालीन कानून तैयार किया है। ये कानून उन पर लागू होगा जो प्लांट या तो पैसे की कमी या इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की बढ़ी कीमतों के कारण बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं। देश में पिछले 6 साल में ऐसा बिजली संकट पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश में बिजली की मांग 38 साल में पहली बार इतनी तेजी से बढ़ी है। भारत में आयातित कोयले से चलने वाले 43% से अधिक प्लांट हैं। इनकी कुल क्षमता 17.6 गीगावाट है और भारत की कुल कोयला बिजली क्षमता 8.6% है। खबरों के मुताबिक बिजली मंत्रालय के अधिकारी इन कर्ज से लदी कंपनियों के जो माली हालत सुधारने में लोग लगे हैं उनके साथ काम करेंगे और एक कमेटी इस दिशा में काम करेगी कैसे इन संयंत्रों से पैदा हो रही महंगी बिजली को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। अब मिलेंगे सोमवार को। 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड है, अपना ख्याल रखिएगा। सवाल, सूचना और शिकायत सब कुछ के लिए इनबॉक्स खुला है। यू नो व्हाट टू डू। गुड नाइट।